कोरोना की दस्तक के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई चीज प्रभावित हुई है तो वो है बच्चों का भविष्य। पहले कोरोना के दौरान सरकार को स्कूलों को बंद करने का फैसला लेना पड़ा, लेकिन उसके बाद कभी प्रदूषण तो कभी कोरोना की दूसरी लहर ने बच्चों को घर में बैठने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के पैर पसारते ही एक बार फिर बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडराने लग गया है। बता दें कि देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के साथ ही दिल्ली समेत कई राज्यों ने स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी है। दिल्ली सरकार ने शहर में कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद से सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में विंटर वेकेशन का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल 31 दिसंबर से बंद होंगे और 14 जनवरी तक विंटर वेकेशन जारी रहेगा। बता दें कि महाराष्ट्र में भी जल्द कोई फैसला लिया जा सकता है। कितने पेशेंट नहीं है जिसके की वजह से स्कूलों को बंद किया गया, और मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी प्रार्थना भगवान से ही है कि नहीं इतने पेशेंट हो। हमने सबसे पहले स्कूल खोल लेते हैं और सबसे पहले फुल कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलना चाहते थे 1 दिसंबर से, लेकिन जैसे ही ये दस्तक दी इस वेरिएंट ने तो हमने उस निर्णय को अपने वापस ले लिया। जिस कैपेसिटी से हम स्कूल चला रहे थे हम उसी कैपेसिटी से हमारे स्कूल आज भी चले हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हमारी उसी प्रकार से चली है, और जिन नियमों के पालन करने की जिम्मेदारी उस टाइम थी जिस टाइम कोरोना था वो उसी प्रकार से पालन आज भी हम स्कूलों में कर रहे हैं, और अभी तक हमारे स्कूलों में ठीक ठाक व्यवस्था है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां स्कूलों को बंद नहीं किया गया है, उनमें से एक है हरियाणा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में इस बार स्कूलों में प्रस्तावित सर्दियों की छुट्टियां नहीं पड़ेंगी, ज्यादा ठंड होने पर सरकार फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन का खतरा अभी हरियाणा में नहीं है जिससे स्कूलों को बंद किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज। गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।